अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानी टीम का अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है जो 26 जून को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम का ये मैच बहुत ज़बरदस्त हो अहमियत का हामिल है जो न्यूजीलैंड के साथ होगा। इसके बारे में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने बड़ा ऐलान कर डाला है। स्विंग के सुल्तान ने पैशन गोई करके सब हैरान कर दिया है। उनकी पैशन गोई बहुत दफ़ा सही साबित होती है, जो अमल करता है वही कामयाब होता है। वसीम अकरम अपने टाइम के एक अनमोल प्लेयर थे, बल्कि एक प्लेयर नहीं, एक बहुत अच्छे खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर, एक बहुत अच्छे बॉलर भी थे। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ ये मैच 26 जून को खेला जाएगा, जो टाइम के मुताबिक 2:30 को स्टार्ट होगा। वसीम अकरम का क्या प्लान आपको बताते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अभी तक न्यूजीलैंड की टीम ने कोई मैच नहीं हारा इस टूर्नामेंट में। अगर हम पाकिस्तानी टीम की बात करें, इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, बस एवरेज है। अगर ये बात हम कहें कि पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड को मैच आसानी से हरा देगी, ये बात नामुमकिन है। इसके लिए पाकिस्तानी टीम को एक प्लान तैयार करना होगा और जीत के लिए मैदान में उतरना होगा, सख्त मेहनत करना होगी, फिर ही पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड की टीम को जेर कर पाई। नंबर वन, वसीम अकरम की टिप्स। वसीम अकरम का कहना था, अगर हमने फील्डिंग पे काबू पा लिया तो ये मैच आसानी हम जीत जाएंगे। नंबर टू, बैटिंग और बॉलिंग पर मजीद तवज्जो देनी होगी और बैट्समैन को एक बड़ा स्कोर करना होगा। नंबर तीन, इस मैच में हमें एक हार्ड हिटर के साथ मैदान में उतरना होगा, जैसे कि हार्ड हिटर आसिफ अली है, इनको अगर अहमद वसीम की जगह मौका दिया जाए तो ये बेहतरीन प्लेयर साबित होंगे इस मैच के। नंबर चार, इस मैच में गलती दोहराने की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। पिछला मैच में जो पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, उसके में पाकिस्तानी टीम ने बहुत गलतियाँ की, 7 कैचेस ड्रॉप किए, और इसके बावजूद क्या पाकिस्तान ये मैच जीत गया था। अगर वो टीम परफॉर्म में नहीं थी, अंडर परफॉर्म चल रही थी साउथ अफ्रीका की टीम, हमारे बैट्समैनों को बड़ा स्कोर करना होगा और जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करनी होगी। वसीम अकरम को कहना था कि मोहम्मद आमिर की बॉलिंग बहुत अच्छी है, देखकर दिल खुश होता है। पाकिस्तानी टीम को बेहतरीन लायअमल देख करना होगा और कैप्टन सरफराज अहमद को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अगर दोस्तों, अगर आप स्विंग के सुल्तान की ये टिप्स को बेहतरीन समझते हैं तो नीचे कमेंट्स में अपना कीमती राय से कमेंट्स जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें।